हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड लिमिटेड शेयर की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका जो सेक्टर है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है। और इसमें आप जो आज तेज़ी देख रहे हैं लगभग 8% के आसपास का, वो तेज़ी आने के पीछे कारण क्या है, इसके बारे में अभी हम डिटेल से देखेंगे। क्योंकि ये जो कंपनी है, इससे संबंधित एक दो बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है, और वही न्यूज के कारण जो है इसमें 7 से 8% की इसमें तेज़ी लगातार बन रही है आज। और यह ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये जो 2:52 के आसपास का अपडेट हुआ है, और इसका जो डे रेंज रहा है वो 12.70 रुपये का रहा है, और जो कि लो रहा है। उसके बाद इसका हाई जो गया है वो 13.60 रुपये के आसपास गया है, और वर्तमान में ये 13.29 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर 52 वीक रेंज की बात करें तो 7 रुपये का इसका जो लो रहा है, और 14.80 रुपये के आसपास इसका हाई रहा है। अर्थात ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। मैं बात करें टोटल वॉल्यूम की, तो इसमें 2,46,53,763 शेयरों की जो है टोटल इसमें वॉल्यूम बन के निकला है। अर्थात इसमें इसकी अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो वॉल्यूम है वो इसलिए वॉल्यूम आज बहुत तेज़ी से निकल के आया है, क्योंकि इसका जो न्यूज निकल के आया है वो फंड रेजिंग से संबंधित बहुत बड़ा न्यूज निकल के आया है, और ये अच्छा खासा फंड रेजिंग करने वाली है। उसी के बारे में हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। अब हम अगर इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो यहाँ एक हफ्ते में इसने 7% का रिटर्न निकाल के दिया है, एक महीने में 1% के आसपास, 3 महीने में 61%, एयरटेल डीट में ये 45%, और 1 साल में इसने 30% का जो रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसने लगभग 228% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को निकाल के दे दिया है। अब हम अगर इसके वॉल्यूम एनालिसिस करें, तो यहाँ पे आज देखिए, आज टुडे लगभग 2 करोड़ का जो है टोटल इसमें वॉल्यूम बना हुआ है, इसमें ट्रेडिंग हुई है। अभी डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो निकल के नहीं आया। यस्टरडे जब हुआ था यानी कल, तो इसमें 1 करोड़ का वॉल्यूम बना था, लगभग 78% के आसपास इसमें डिलीवरी उठाई गई थी। एक वीक में इसने 72 लाख का जो है वॉल्यूम बनाया हुआ है, और 78% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। एक महीने के एवरेज की बात करें तो 80 लाख का जो है वॉल्यूम बना है, जिसमें से 59 लाख शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठाए गए हैं, लगभग 74%। अब हम अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आप 94% जो कम्युनिटी हैं वो बता रहे हैं कि इसको बाई आप कर सकते हैं, 6% सेल करने की सलाह दे रहे हैं। अर्थात इसमें जो है जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब हम जल्दी से थोड़ा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी हम बात कर लें, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो प्रमोटर हैं वो लगभग 50% के आसपास हैं। अर्थात ये मान के चलिए, चूंकि ये एक पेनी शेयर है और इसका प्राइस बहुत ही कम है, तो इसमें प्रमोटर 50% जब हैं, तो इसका ये मान के चलिए कि ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पब्लिक इसमें लगभग 49% के आसपास है, और FIIs की भी इसमें एंट्री है, और 1.58 के आसपास है। हालांकि इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इसमें DII की जो एंट्री है वो इसमें नहीं दिखाई दे रही है। जो न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए जो 5 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो है सारा न्यूज़ निकल के आया है, और उसी को हम अभी चलिए डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जो जनरल मीटिंग हुई थी 5 तारीख को, उसका ये डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसमें ये निकल के आया है कि जो इंटीमेशन ऑफ द मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द मिष्ठान फूड लिमिटेड प्रपोज टू बी द हेल्ड ऑन मंडे 11 सितंबर, अर्थात 11 सितंबर को एक मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि एक जो मीटिंग होने वाली है 11 सितंबर को, उसमें कुछ निर्णय लेने वाले हैं, और ये क्या निर्णय होगा उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो मंडे, जो अगला मंडे आने वाला है, जो नेक्स्ट मंडे, उसमें ये कुछ निर्णय लेने वाले हैं। और ये पहला जो निर्णय लेने वाले हैं वो ये कि ये जो लगभग 100 करोड़ रुपए का ये फंड रेजिंग करने वाले हैं, और ये जो फंड रेजिंग करेंगे वो टोटल और टोटल कन्वर्टेबल जो वारंट्स होते हैं उसके माध्यम से प्रेफरेंशियल बेसिस के आधार पे, और ये जो फंड रेजिंग होगा वो मेन बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये जो है फंड रेजिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 100 करोड़ के जो फंड रेजिंग तो अलग करने वाले हैं, और ये जो प्रेफरेंशियल बेस के आधार पे करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि ये इसका हालांकि जो अप्रूवल जो है वो 11 तारीख के मीटिंग में लेने का फैसला हो सकता है, क्योंकि ये जो अगली मीटिंग रखी गई है वो 11 तारीख को रखी गई है। इससे पहले जो मीटिंग रखी गई थी जो 29 तारीख को रखी गई थी, लेकिन बीच में ही एक और मीटिंग रखी गई है, और ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो
100 करोड़ का जो ये फंड रेजिंग करने वाले हैं उसके बारे में अप्रूवल हो सकता है इस जो मीटिंग में ये लें। 100 करोड़ फंड रेजिंग के अलावा ये जो है एक और फंड रेजिंग करने वाले हैं और वो करने वाले हैं 200 करोड़ का। और ये किस आधार पे करने वाले हैं, ये जो है यहाँ पे देखिए जो फंड रेजिंग अनसिक्योर्ड लोन के माध्यम से करने वाले हैं प्रमोटर एंड डायरेक्टर के थ्रू। और ये बता रहे हैं कि ये जो प्रमोटर और डायरेक्टर हैं वो अपने अनसिक्योर्ड लोन को इक्विटी शेयर के माध्यम से ये 200 करोड़ का जो फंड रेजिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं। और इसके बारे में भी शेयर होल्डर का जो अप्रूवल लेना बाकी है। और ये हो सकता है कि जो 11 तारीख को मीटिंग हो उसमें जो है ये फैसला हो। और इसमें ये बताया गया है कि ये अप्रूवल जो लेना है वो हो सकता हो कि ये 13 तारीख तक ये लागू रहेगा 48 घंटे के तहत। और वहीं पे हो सकता है वोटिंग हो और वहीं पे अप्रूवल मिल जाए लगभग 300 करोड़ की फंड रेजिंग का। इसके अलावा जो 5 तारीख को मीटिंग हुई थी जनरल मीटिंग उसमें कुछ फैसले लिए गए थे उसके बारे में ये डिटेल से बता रहे हैं। और ये जो मीटिंग हेल्ड हुआ था 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में हुआ था। यहाँ पे आप देखिए 29 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और ये डेट पड़ा हुआ है कि 29 तारीख को जो है ये अगली जनरल मीटिंग करने वाले हैं। हालांकि बीच में एक और मीटिंग होगी जिसमें अप्रूवल लिया जाएगा शेयर होल्डर का और वो होगा 11 सितंबर को। इस मीटिंग में जो रिपोर्ट है डायरेक्टर रिपोर्ट उसको जो है जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सबको जो है अप्रूवल दे दिया गया है। साथ ही साथ जो मीटिंग अगली होनी है उसके बारे में भी इसमें डिटेल बता दिया गया है। और इसमें एक और अपॉइंटमेंट किया गया है वो है मिस्टर कमलेश साहब जो प्रैक्टिसाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी के रूप में और जो स्क्रूटनाइजर फॉर द ई वोटिंग एंड वोटिंग ऑफ द AGM जो AGM जनरल मीटिंग होने वाली है उसका जो उसमें इनको एक कंपनी सेक्रेटरी के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा टोटल जो न्यूज़ है उसके बारे में हमने बता दिया कि पहली जो न्यूज़ थी वो ये कि ये लगभग 300 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाले हैं जिसमें 100 करोड़ का एक करेंट जो इशू करके फंड रेजिंग करेंगे और जो 200 करोड़ का है वो इक्विटी के माध्यम से जो इसमें डायरेक्टर और प्रमोटर की भूमिका होगी। और साथ ही साथ ये जो मीटिंग जो 11 सितंबर को होनी है उसमें ये इसका निर्णय लेने वाले हैं। और यही कारण है कि इसमें आप देख रहे हो कि आज लगभग 7 से 8% की इसमें तेज़ी लगातार बनी हुई है। इससे पहले जब सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी तो इसमें लगातार गिरावट हो रही थी और ये जो अपने ऑल टाइम हाई है लगभग 2 रुपये के आसपास का उससे गिर के ये लगभग 10 रुपये के आसपास आ गया था। और जब से ये न्यूज़ आई है तब से इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 7 से 8% तेज़ी बनी हुई है। और ऐसे ही अगर 11 तारीख को इसमें अप्रूवल मिल गया इस जो फंड रेजिंग होना है उसको तो हो सकता है इसमें और तेज़ी बनी रहे और ये लगभग 20 रुपये के आसपास का जो टारगेट है उसको टच कर दे। तो दोस्तों बस ये रहा आज का न्यूज़। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।